Before hair color, you can see, and after, wow, such a amazing hair color trends, beautiful and amazing transformation. And before again, here I'm going to show you again. मैं दोबारा से आपको दिखाती हूँ. Before आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा dark है, bottom में light है. And here you can see light and amazing, awesome hair color. जी हाँ guys, इस tutorial को, इस video को last तक देखिएगा. ये बहुत ही trendy techniques है, ज़रूर देखिएगा. So much Shama, I'm so happy with this hair color. Like, this is the bestest color in my entire lifetime, and you know, I look so pretty with this color. Honestly, I'm not just saying for the sake, but guys, trust me, this is so beautiful. I'm gonna come back again. Thank you so much, ma'am, for coming. Thank you. Thank you. Hey guys, once again welcome to Shama's Makeover Channel. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope are you doing well. आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे. आज मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रही हूँ हेयर कलर ट्रेंड्स 2020, चॉकलेट ब्राउन विद ब्लॉन्ड हेयर कलर एंड फॉलियाज हाइलाइट्स टेक्निक. जी हाँ गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आसान होने वाला है ये ट्यूटोरियल. गाइज, बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और हाँ, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर बटन के साथ में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3 जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा. नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करने का मतलब यही होता है जिससे कि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं. और हाँ, बताना चाहती हूँ गाइस, लाइक कमेंट्स एंड शेयर करके बताइएगा कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और हाँ, आई जस्ट रियली वांट टू शेयर ऑल ऑफ यू दैट गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे लगा आपको ये ट्यूटोरियल. और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग बिगनर्स हैं और ये जो हेयर कलर है विच इज़ लाइक वेरी ट्रेंडी हेयर कलर, मैंने आपसे एक भी स्टेप को हाइड नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं छुपाया है, पूरे अच्छे से सिखा रही हूँ. इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल का मेम्बरशिप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन है, उसको क्लिक कीजिएगा. और बताना चाहती हूँ, ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंबरशिप प्लान लीजिएगा. आप मुझे वंस इन अ मंथ कॉल भी कर सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग में आपको बैचेस मिल जाएगा अगर आप मेंबरशिप ले प्लान लेते हैं. और आप अगर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे बताइएगा. और मेरा व्हाट्सअप नंबर, मैं आई विल गिव यू माय व्हाट्सअप नंबर, मुझे स्क्रीन शॉट करके भेजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा फर्स्ट एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड यू एज अ मेंबरशिप. यस, उसके बाद क्या होगा, आपके मंथ में एक बार आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है हेयर कलर से रिलेटेड आप मुझसे पूछ भी सकते हैं. तो गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ये हेयर कलर बहुत ही ब्यूटीफुल है. यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन शेड है और ब्लॉन्ड कॉम्बिनेशन के साथ मैंने इस हेयर कलर को क्रिएट किया है. और ये टेक्निक है फॉलियाज हाइलाइट्स. जैसे कि बॉटम में आपने देखा ही था, इनके बाल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइट था, बस उसी को मैंने थोड़ा इन्हेंस करके इनको सेम शेड को ही ऊपर भी इन्हेंस कर दिया है. व्हाट अ लवली हेयर कलर. तो मेक श्योर गाइस कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा कि ये खूबसूरत सा हेयर कलर मैंने कैसे किया है, तो ते किस बात की है. चलिए शुरू करते हैं. एज यू कैन सी हेयर बहुत ही ज़्यादा डार्क है ऊपर से, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया है, और नीचे से आप देख सकते हैं. अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाहती हूँ. तो देखिए नीचे से कितना ज़्यादा ब्लॉन्ड है ना, ऊपर से देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक है, राइट?
ये जो ऊपर से इनके बालों का जो कलर है ये वर्जन है, इनका बेस जो है वो है 4 नंबर, ठीक है। और नीचे आप देख सकते हैं इन्होंने 2 साल पहले जो कलर किया था वो बॉटम में आ चुका है और आप अब आप देख सकते हैं। तो ये है सेक्शनिंग। तो चलिए देखते हैं पहले बॉक्स सेक्शन क्या, फ्रंट से 2 सेक्शनिंग क्या है और बैक से आप सेक्शन तो देख ही सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा कि ये हेयर कलर मैंने कैसे किया है। सो फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन मैं ले रही हूँ डायगनल बैक। तो यहाँ पे मैं देखिए किस तरह से मैं हाइलाइट्स ले रही हूँ, 1, 2, 3। यहाँ पे 3 मैंने हाइलाइट्स लिया, ठीक है, मतलब 3 स्ट्रीक्स लिया। इसको बैक कमिंग कर रही हूँ और जो स्ट्रीक्स से आप देख सकते हो जो हाइलाइट्स है वो बहुत ही ज़्यादा पतले भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, मीडियम है, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ। सो गाइस बताना चाहती हूँ ये जो हेयर कलर है जो मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ, आपको पता है ये कलर एक्चुअल में क्या है, कौन सा शेड मैं यूज़ कर रही हूँ? तो चलिए मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्टूडियो ब्लॉन्ड इन 30 वॉल्यूम और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मिक्सिंग रेशियो जो होगा वो होगा 1:2। तो गाइस मैं बताना चाहती हूँ इसको मैं बॉटम में भी कर रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम का कलर थोड़ा सा और ज़्यादा लिफ्टिंग चाहिए था, थोड़ा लाइट चाहिए था। जो मेरी क्लाइंट थी शी सेड कि मुझे थोड़ा लाइट चाहिए, बॉटम भी थोड़ा लाइट हो जाएगा, नो इशू। और ऊपर भी आप देख सकते हैं 30 वॉल्यूम के साथ कर रही हूँ। तो पहले तो आप जानिए कि ये जो टेक्निक है इस टेक्निक को बोलते हैं फॉलियाज टेक्निक, राइट। तो आपने देखा कि फॉलियाज टेक्निक कर रही हूँ और मैंने जो कलर मिक्स किया है वो कलर नहीं है, एक्चुअली क्या है, कभी कभी थोड़ी लाइटिंग से आप देख सकते हो कभी ब्लॉन्डर कुछ अलग डिफरेंट कलर दिखता है। दिस इज 30 वॉल्यूम एंड हियर आई एम यूजिंग येस 30 वॉल्यूम विद द स्टूडियो ब्लॉन्ड, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो जितना हम लोग ऊपर आएंगे ऑफकोर्स थोड़ा सा, तो जब आप जितना ऊपर आते हो तो ऑफकोर्स आपने नोटिस किया होगा एक चीज़ की जाहिर सी बात है कि सेक्शन थोड़ा सा थिक तो होता ही है और सेक्शन एक ऐड और हो जाता है। जैसे नीचे 3 लिया था हमने स्ट्रिक्स, यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं कितना, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 लिया है, बैक कमिंग किया है। और फॉलियाज टेक्निक में एक चीज़ याद रखना, लास्ट जो इससे पहले वाला वीडियोस में मैंने यही चीज़ सिखाई थी, जो फॉलियाज है वो उसमें बैक कमिंग होती है, डायगनल बैक सेक्शन लेते हैं और आप लोग 3 से 4 आप ले सकते हो स्ट्रिक्स और उसके बाद आप फॉइल बैक कमिंग करते हो, फॉइल पेपर से आप जब इसको एप्लीकेशन करते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसमें नीचे नीचे एप्लीकेशन होता है, राइट, ज़्यादा रूट्स तक इसको नहीं लगाना। और बैक कमिंग को जब हम ओपन करेंगे तो ऑफकोर्स वो थोड़ा ब्लेंडिंग इफेक्ट आएगा और इट्स गोइंग टू बी ऑसम एंड अमेजिंग हेयर कलर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मिक्सिंग रेशियो हमने क्या किया था, 1:2 लिया था, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि मिक्सिंग रेशियो है 1:2 और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से आपने लेफ्ट कंप्लीट किया है इसी तरह आपने राइट भी कंप्लीट करना है। तो राइट सेक्शन को भी गाइस यही चीज आपने ध्यान देना है, राइट सेक्शन को भी कि किस तरह से आपने करना है। देखिए यहाँ पे मैंने डायगनल बैक सेक्शन लिया है, राइट। देखिए मेरा मेन पर्पस जो होता है आप सभी लोगों को सिखाने का होता है कि आप सभी लोग कुछ ना कुछ सीखो मेरे चैनल से। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि मैं इनके बालों में प्री लाइट कर रही हूँ और आप जानते हैं इनके बालों में जब मैंने पेस्टर्स इनको करके दिखाया तो कलर जो है डायरेक्ट इनके बालों में नहीं आ रहा था, राइट, लिफ्ट ही नहीं हो रहा था, कलर लिफ्ट ही नहीं हो रहा था। कभी कभी जब आप भी कन्फ्यूज होते हो तो क्लाइंट को पेस्टर्स देखो, हमेशा पेस्टर्स देने से क्या होता है कि सबसे बेस्ट होता है, उसमें क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि वो कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। कभी कभी क्लाइंट्स के बालों में नेचुरली डायरेक्ट कलर नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे टाइप के कलर क्लाइंट क्या करते हैं, एक बीच में मैसेज था तो आई थिंक थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होगा, देखिए तो मैं बात कर रही थी कभी कभी क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी कलर क्लाइंट कभी भी कलर के लिए आता है उनसे आप पूरे डिटेल्स पूछिए कि मैम आप क्या कलर, आपने पहले कभी कलर किया था? तो शी सेड कि मैंने जो लास्ट कलर किया वो बॉटम में है। बाकी देखो मेन पर्पज़ ये भी होता है कि शैम्पू कंडीशनर क्या यूज़ करते हैं, अगर ऑर्गेनिक कुछ यूज़ करते हैं क्लाइंट तो कलर तो बहुत डिफ़िकल्ट है आना, ये मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। इसीलिए जो है प्री लाइटनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्री लाइटनिंग कर रही हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट वर्जन ईयर में मैं ऑलमोस्ट डायरेक्ट शेड्स ही अप्लाई करती हूँ गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 3 ही सेक्शन लिया है, 90 डिग्री में उठा के बैक कमिंग कर रही हूँ और यहाँ पे एप्लीकेशन कर रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। एज यू कैन सी यहाँ पे एप्लीकेशन बॉटम में ही है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं है, दिस इज कॉल्ड फॉलियाज। सो गाइस दिस इज माई टेक्निक
फॉलियाज अगर आप जाएंगे यूट्यूब में, हर किसी का डिफरेंट टेक्निक होता है. दिस इज शाबाज मेक ओवर टेक्निक. इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट्स बिलो. अगर अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स कीजिएगा. ये टेक्निक जब आप करते हैं, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि बालियाज जिसे आप करते हैं ना, एग्जैक्टली बालियाज का ही लुक आता है. ओवरऑल इट्स लाइक अमेजिंग टेक्निक. आई एम टेलिंग यू गाइज, जस्ट डू इट वंस, यू विल लविंग इट. सो जैसे कि लेफ्ट किया, राइट किया सेक्शन, और उसके बाद आप जब आप सेंटर में आते हैं, ये सेक्शन हो जाता है हॉरिजॉन्टल, राइट. तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में भी, क्योंकि ऑटोमेटिक जब आप डायगनल बैक दोनों दोनों तरफ से डायगनल बैक करते हैं, तो जब डायगनल बैक करेंगे तो वी बन जाता है पीछे से, राइट. तो यहाँ पे सेंटर में आके ये बन जाता है आपका हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे आप देखिएगा, तीन ही लिया है मैंने, 1 2 3, और देखिए ज़रा कितना मैं मतलब लाइक एक होता है फाइन, एक होता है मीडियम, एक होता है थिक. मीडियम और थिक के बीच का इतना मोटा मैं यहाँ पे स्ट्रिक्स ले रही हूँ. और मैं बताती हूँ, बिकॉज मेरी क्लाइंट ने बोला था कि श्यामा आई वॉन्ट माई कलर टू बी विजिबल मोर, राइट. शी वॉन्टेड वेरी वेरी लाइट शेड, वेरी कॉन्ट्रास्ट, राइट. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हर दिस लिटिल थिक पैचेस, राइट. तो मैं इनको थिक स्ट्रिक्स दे रही हूँ, यही रीज़न है. तो ये चीज़ आप समझिए, एक एक चीज़ को जो मैं बारीकी से बोलती हूँ, समझाती हूँ, बिकॉज ऑफ दैट कि आप लोग सीख सकते हैं और बढ़िया अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस अवेल कर सकते हैं, यू नो गाइज. सो दीज आर द टेक्निक. लाइक आप देखें यहाँ पे जिस तरह से मैंने क्लाइंट का, जी हाँ, बैक साइड से किया. अब मैं देखिए फ्रंट सेक्शन कर रही हूँ, तो फ्रंट सेक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिएगा कि तीन ही लिया है, राइट. और यहाँ पे डायगनल बैक, यहाँ पे भी मैं क्या कर रही हूँ, डायगनल बैक सेक्शन ले रही हूँ और बैक कमिंग किया, और यहाँ पे मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ. सो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जो फ्रंट सेक्शन है उस पर मैं अच्छे से एप्लीकेशन कर रही हूँ. मतलब फ्रंट से जब मैं इस स्ट्रिक्स को ले रही हूँ, हाइलाइट्स को ले रही हूँ, उस पर मैंने फ्रंट से ही स्टार्ट किया है. मैंने एक लेयर नहीं छोड़ा है. यूजुअली मैं हमेशा जब हाइलाइट करती हूँ या बेबी लाइट करती हूँ तो फ्रंट वाला लेयर छोड़ती हूँ, बट इस पर मैंने नहीं छोड़ा है. यू कैन सी हेयर अगेन आई एम टेकिंग अनदर सेक्शन, डायगनल बैक है, ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं देखिए यहाँ पर इस सेक्शन को मैंने फ्रंट सेक्शन थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ना. तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बारीकी से समझाती हूँ. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ. तो जैसे कि मैंने राइट सेक्शन किया है, उसी तरह आपने लेफ्ट भी करना है. जब आप राइट और लेफ्ट कंप्लीट कर दोगे, उस वक्त अब आप आते हो क्राउन सेक्शन में. क्राउन सेक्शन में हॉरिजॉन्टल सेक्शन हो जाता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं. यहाँ पे मैं देखिए किस तरह से सेक्शनिंग कर रही हूँ, किस तरह से मैंने चार यहाँ पे हाइलाइट्स लिया है. तो यहाँ पे जो क्राउन सेक्शन है, ज़्यादा मोटा नहीं ले सकते, ऑफकोर्स थोड़ा फाइन ही लेना है आपने. और जस्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन द बॉटम आफ्टर, यस गाइस, आफ्टर बैक कमिंग. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. इसी तरह पूरा क्राउन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ मेजेलिफ का 12.5 एंड 20 वाली मिक्सिंग रेशियो होगा 1:2. और यहाँ पे देखिए रेस्ट ऑफ द हेयर, मतलब जो बाल आपका, जो रेस्ट ऑफ द इनके बाल हैं, आप देख सकते हैं रूट से इनका मिड लेंथ जो है, मिड लेंथ से भी बहुत नीचे पूरा डार्क है. उस पूरे पोर्शन को भी नहीं, बल्कि यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से मैं यहाँ पे ग्लोबल कलर कर रही हूँ. पूरा नीचे तक आपने ग्लोबल कलर करना है. यू कैन सी हेयर, ये है मिक्सिंग 12.5 और 20 वॉल्यूम का. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कलर मैंने लिया, और इसको पूरा नीचे तक एप्लीकेशन करूँगी. देखिएगा, इसमें एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ, रूट्स में अभी नहीं लगाना है, इसी तरह सेक्शन बाय सेक्शन आपने करना है, ठीक है. पहले लेफ्ट के अगर करना है, फिर राइट करना है, फिर फ्रंट का लेफ्ट राइट, और उसके बाद जाके क्राउन में. ये देखिए 12.5 एंड 20 वॉल्यूम, ठीक है. सो पूरे बालों में एप्लीकेशन करने के बाद आफ्टर 25 मिनट्स के लिए अपने रखना है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि कलर लिफ्ट हो चुका है. जी हाँ, 20 मिनट के बाद ही कलर लिफ्ट होने लगेगा, आप देख सकते हैं. 25 मिनट रखने की ज़रूरत भी नहीं होगी. यू कैन सी हियर, मैंने एकदम करीब से दिखाया, एकदम बारीकी से दिखाया आपको. और उसके बाद यहाँ पे आप लेना ये दो शेड 4.35 एंड 4 और 20 वॉल्यूम, इसको आप टचअप करेंगे. जो चार नंबर है, देखिए 4.35 को आपने लेना है कितना परसेंट, पता है आपको, सिर्फ 30%. और चार नंबर आप लेंगे
जी हाँ 70% और 20 वॉल्यूम में 1:1.5 में मिक्स करेंगे। और उसके बाद ये देखिए, ये हमने रूट्स टचअप के लिए हमने बनाया है पूरा कलर, और यहाँ पे सिर्फ रूट टचअप करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, उसको सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने रखना है, ठीक है। एंड आफ्टर 5 मिनट, जब आप 5 मिनट हो जाएगा रूट्स के लिए, उसके बाद 5 मिनट के बाद आपने सारा जो नीचे के जो बाल है ना, देखिए ये वाला मेथड अच्छे से देखिएगा, सारे जितने भी फॉइल पेपर हमने लगाया था याद है ना आपको, वो सारा मैं ओपन कर रही हूँ। ओपन करने के बाद शैम्पू स्टेशन में ले गए, और लेने के बाद जो नीचे बाल थे ना, वो सारा ब्लॉन्ड था, उसको मैंने सिर्फ क्या किया, टॉवल से इसको मैंने रिमूव कर दिया। वॉश नहीं करना है आपने, उसी के ऊपर यहाँ पे मैं, जी हाँ, वही शेड जो 12.5 जो शेड था जो हमने ग्लोबल के लिए लगाया था, उसी शेड को ही थोड़ा सा और मिक्स किया, बनाया, और उसको हमने पूरा बालों में बॉटम में कर दिया। एंड देन अच्छे से इसको इमल्सीफाई करना है, क्योंकि गाइस जो मेरी क्लाइंट है, जैसे कि आपने देखा ही था, उनके बाल थोड़े से ब्लॉन्ड है, बट इस गाइस ये जो शेड है मैंने इनके पूरे बालों में अच्छे से एप्लीकेशन कर दिया, राइट। तो बेसिकली जो मेरी क्लाइंट है, उन्होंने कहा था मुझे लाइट चाहिए, पर इतना ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए, तो इसलिए 12.5 को मैं पूरे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सो गाइस, वैसे भी मैं आपको बताती हूँ कि ये हल्का सा ब्लॉन्डिश ही आएगा, चॉकलेट ब्लॉन्डिश कलर मिक्स होके आएगा, बहुत ऑसम कलर है, जैसे कि आपने देखा ही है। पूरे जब आप अच्छे से एप्लीकेशन करते हो, तो पता है आपने पूरा एप्लीकेशन करना है रूट्स में नहीं, सिर्फ नीचे, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसको छोड़ना है आपने, पता है कितने मिनट, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट तक छोड़ना है। एंड देन यू कैन सी आफ्टर 10 मिनट्स लुकिंग ऑसम एंड अमेजिंग गाइस। रूट्स में भी आप देख सकते हैं ज़्यादा लाइट नहीं है, विच इज़ लाइक ऑसम कलर, यस गाइस। एंड देन नाउ यू कैन सी इट्स स्ट्रेट हेयर। अभी मैंने सिर्फ पूरे बालों को स्ट्रेट किया है, मैं आपको चाहती थी कि स्ट्रेट बाल भी दिखाऊँ कि कैसे लगते हैं ये। देखिए फॉलियाज के जो ये हाईलाइट्स जो आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ब्लेंडिंग है। और नाउ टाइम फॉर बीची वेव्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इनका बीची वेव्स कर रही हूँ, बीची वेव्स क्रिएट कर रही हूँ गाइस। तो बीची वेव्स में जो है और भी ब्यूटीफुल लगने वाला है इनका ये कलर, राइट। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन सी द फिनिशिंग लुक, विच इज़ रियली नाइस। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट्स करके, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी रात के 1 o'clock हो रहा है, और इस 1 o'clock तक मैं आपके लिए वीडियो 11 o'clock मैंने शुरू किया था, 12 and 1 जो। तो गाइस, मैं बताना चाहती हूँ कि वीडियोस बनाने के लिए मुझे 2 hours लगता है, विच इज़ वेरी हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क है वीडियो। जब तक मैं क्लाइंट्स का स्टार्ट करती हूँ वीडियो ट्यूटोरियल बनाना, तब से लेके उसके बाद लास्ट तक, जब तक अपलोड ना करके पब्लिश ना कर दो, विच इज़ वेरी हार्ड वर्क। तो गाइस, 3-4 दिन लगते हैं एक वीडियो को पूरे अच्छे से कंप्लीट करके, अपलोड करके, पब्लिश करने के लिए, बहुत ही हार्ड वर्क है। यूट्यूब में वीडियो अपलोड करना ईजी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, एंड आई फील सो इंस्पायर्ड। मुझे इनकरेजमेंट मिलता है जब आप लोग मुझे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि गाइस ऐसा कलर आपको कोई नहीं सिखा सकता, सिर्फ श्यामाज मेकओवर चैनल में ही आपको सीखने को मिलेगा। आपको चाहे आपको पिकॉक कलर देखना है, आपको मल्टी कलर्स देखना है, सारे ट्यूटोरियल्स मैंने अभी तक 500 से ज़्यादा, आई मीन 600 तो वीडियो मैं अभी तक अपलोड कर चुकी हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए कि आप लोग कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए गाइस, अगर आप लोग बिगनर्स हैं और अभी तक आपको कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जो आपको अच्छे से सिखा सकता है, तो आप मुझे कांटेक्ट करना। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9871369576। मैं कलर थ्योरी की क्लासेस भी ऑनलाइन लेती हूँ, अगर आप सभी लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है मुझे बताइएगा। मॉर्निंग की क्लासेस रहेगी, जो कि बहुत ही ईजी रहेगा, आप लोग अटेंड भी कर सकते हैं। इस पेंडेमिक में अपने आप को अपग्रेड कीजिएगा, ग्रो कीजिएगा, तो जब सीज़न आएगा तो यू आर गोइंग टू बी ऑसम। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करके, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करके, फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा, ज्वाइन बटन का मेंबरशिप प्लान लीजिएगा, कमेंट्स लाइक शेयर कर दीजिएगा, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल नो डाउट, एज यू कैन सी एक्चुअली शी इज़ अ थिएटर एक्ट्रेस ऑल्सो। और येस गाइज, बहुत जल्दी वो यू नो मे बी शायद इन फ्यूचर शी इज़ गोइंग टू बी इन मूवीज ऑल्सो, शी इज़ प्लानिंग टू वर्क इन अ मूवी लाइक दैट, राइट। सो गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आप और भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं, जाइएगा यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, देखिएगा हेयर कलर बाय श्यामाज मेकओवर और लॉन्ग लेयर हेयर कट बाय श्यामाज मेकओवर, व्हाटएवर यू वांट टू सी, प्लीज़ चेक माई चैनल।
go to my, and you can follow me on Instagram and Facebook. My Instagram handle also again, Shyama's Makeover. Thank you so much once again for watching my video. Till then, take care. Bye guys. See you very, very soon. Bye.